खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां बीते 28 अगस्त उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन को जा रही संगत के लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटर द्वारा टक्कर दी गई थी। इस दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया था। हादसे में सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसगर के करीब 7 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई थी, जिस पर सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा के ग्राम बसगर में पहुंचकर हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, साथ ही शोक सभा में पहुंचकर शोक जताया। इस दौरान पीड़ित परिवारों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विश्वास दिलाया कि इस कठिन और दुख के समय सरकार उनके साथ खड़ी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विधायक होने के नाते वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर तरह से परिवारों की मदद को वे और उनकी सरकार हमेशा तत्पर है। विधानसभा बसगर गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, लगभग लगभग 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहाँ पूरी श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। उनको यही विश्वास दिलाने आया।